21 अप्रैल 2024 राजस्थान के मानसवारा प्रधानमंत्री मोदी का भाषण चल रहा होता है। यहाँ शुरुआत होती है मोदी के झूठ की। जहाँ लगने लगा डर, वहाँ से झूठ का रास्ता पकड़ लिया। राजस्थान के भाषण में मोदी ने कहा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो सबकी प्रॉपर्टी का सर्वे करेंगे। अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो का नाम न्याय पत्र है और इनके मैनिफेस्टो में एक भी रेफरेंस नहीं है प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में। मोदी ने अपने झूठ को और मजबूत बनाने के लिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की स्टेटमेंट बोली। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। यहाँ साफ साफ मेंशन है 2006 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्लान फॉर माइनॉरिटी के बारे में बात करी थी। पहला स्थान दिया जाएगा विकास का लाभ उन तक सामान्य रूप से पहुंचने में। यहाँ पर मेंशन है द पर्टिकुलरली मुस्लिम माइनॉरिटी आर एम्पावरमेंट टू शेयर इक्विटेबल द फ्रूट ऑफ डेवलपमेंट। खासकर ये योजना शेड्यूल कास्ट, आदिवासी और बैकवर्ड के लिए था। मोदी का एक और झूठ 22 अप्रैल अलीगढ़, जहां मोदी फिर से दोहराते हैं एक ही बात को बार बार। कांग्रेस का शहजादा मतलब राहुल गांधी, अगर वो पावर में आती है तो जांच करेंगे आपकी इनकम, आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर, और सरकार बांट देगी उनकी प्रॉपर्टी। आप ये वीडियो देखो। अगर ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी। अगर आपके पास गांव में घर है और आप फ्लैट लेते हो शहर में तो कांग्रेस आपसे उनमें से एक ले लेगी, ऐसा मोदी कहते हैं। 6 अप्रैल को मैनिफेस्टो के रिलीज के अगले दिन राहुल गांधी हैदराबाद में उन सारी बातों का जवाब देते हैं। आप ध्यान से देखिए, जैसे ही हमारी सरकार आएगी जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इम्प्लीमेंट कर देंगे, देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में मैंने पहले बताया, उसमें कोई भी वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात नहीं हुई। पर यहाँ न्याय पत्र में पेज 7वें पॉइंट पे लिखा है, कांग्रेस विल एस्टैब्लिश एन अथॉरिटी टू मॉनिटर द डिस्ट्रीब्यूशन टू द पुअर ऑफ गवर्नमेंट लैंड एंड सरप्लस लैंड अंडर द लैंड सीलिंग एक्ट। पहले जाति जनगणना होगी, उसके बाद देखा जाएगा कि किसके पास कितनी जमीन है, कितने पैसे हैं, जाति के अधिकार के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन हो। पहले समझते हैं सीलिंग एक्ट होता क्या है। इसका पूरा नाम है द अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट रेगुलेशन एक्ट 1976। कुछ स्टेट ने इसको अडॉप्ट किया और बाकी की सारी टेरिटरी में इसको लागू करा गया। बेसिकली एक पर्सन कितना लैंड होल्ड कर सकता है जितना मेंशन करा गया। अगर किसी के पास जगह ज्यादा होती है, जितनी मेंशन करी है उससे ज्यादा, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास वो लैंड जाएगा बाकी का बचा हुआ। पर यहाँ मोदी के झूठ का सफर खत्म नहीं हुआ। फिर 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश के सागर शहर में कर्नाटका में कांग्रेस ने धर्म के नाम पे आरक्षण दिया। मोदी ने कहा, मुस्लिम की सभी जातियों को ओबीसी में डाल दिया। 1962 में कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों की कुछ जातियों को ओबीसी में कर दिया था, रिलीजन के बेसिस पर नहीं, बल्कि प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट टू द कम्युनिटी। और मुस्लिम कम्युनिटी को आरक्षण बैकवर्ड क्लास में 1921 में मैसूर के राजा ने अपॉइंटेड किया था 1918 में। लेटर इन 1994 HD देवेगौड़ा, जो जनता दल पार्टी के मेंबर थे और भारत के 11वें प्रधानमंत्री भी रह चुके, उस समय सब मुस्लिम कम्युनिटी को ओबीसी लिस्ट में डाल दिया था कर्नाटका में। 4% कोटा काट दिया था। जनता दल आज भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है। जो गुजरात में मोदी 12 साल मुख्यमंत्री रहे और ओबीसी में लिस्ट भी करा कुछ मुस्लिम कम्युनिटी को। ये 2 साल पहले का इंटरव्यू है। हम कहेंगे भाई, इस समाज में अगर पंथ के आधार पर देखें तो इस संप्रदाय में इस प्रकार की जाति व्यवस्था का वर्णन करेंगे और इस समाज में हम कभी नहीं करेंगे। क्या वहाँ भी समाज के और वर्गों में जातियाँ नहीं हैं, ऊंच नीच नहीं है, वहाँ पर बैकवर्ड नहीं? अब जैसे मेरे यहाँ गुजरात में मुस्लिम संप्रदाय में मैं समझता हूँ कि 70 जातियाँ ऐसी हैं जो ओबीसी हैं। और मेरे गुजरात में जब मैं था
उनको ओबीसी की कैटेगरी में बेनिफिट मिलता था, लेकिन कभी मैं मीडिया में नहीं देख रहा हूं कि भी वहां कितने ओबीसी को टिकट मिला, वहां कितने पिछड़ों को टिकट। कर्नाटका में ये जरा मेरे भाई बहन सुन लीजिए बराबर, कैसा पाप किया इन्होंने। कर्नाटका में ओबीसी को जो आरक्षण मिलता है उस ओबीसी के कोटे से आरक्षण का हिस्सा छीनने के लिए पिछले दरवाजे से चोरी करने के लिए उन्होंने कर्नाटका में जितने मुसलमान हैं सभी मुसलमानों को ओबीसी बना दिया और ओबीसी के लिए मिला हुआ आरक्षण उसको छीनने का पक्का षड्यंत्र पूरा कर दिया। कांग्रेस की ये हरकत पूरे देश के ओबीसी समाज के लिए खतरे की घंटी है। मोदी को शर्म नहीं आती हिपोक्रेसी करते हुए। और जानना चाहते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।